की बड़ी खबर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर 9वीं कक्षा की छात्रा को जिलाधिकारी बनाया गया। जी आपको बता दें, मिशन शक्ति के तहत सांकेतिक रूप से बालिका को जिलाधिकारी जो है वो बनाया गया। वहीं तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। आपको बता दें, तहसील दिवस में डीएम एसपी के अलावा अन्य अधिकारी भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, एक दिन के लिए बनी जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस दुद्दी में आयोजित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर 9वीं कक्षा की छात्रा को जिलाधिकारी जो है वो बनाया गया। वहीं मिशन शक्ति के तहत सांकेतिक रूप से बालिका को जिलाधिकारी जो है वो बनाया गया। वहीं तहसील दिवस में डीएम एसपी के अलावा अन्य अधिकारी भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, एक दिन के लिए बनी जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं को सुना और ये संपूर्ण समाधान दिवस जो है वो दुद्दी में आयोजित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से। आज आपको सांकेतिक डीएम बनाया गया था, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि मैं आज डीएम साहब के साथ बैठकर लोगों के समस्या का समाधान की और उनका समस्या को सुनी था, उनका निस्तारण किया और संबंधित अधिकारियों को इस समस्या के निस्तारण करने के लिए उन्हें सूचित किया और उन्हें कहा ताकि वो जल्दी जल्दी इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, पढ़ाई भी आप कर रही हैं, आगे क्या सोची हैं आपने? मैं पढ़ने के कोई आईपीएस बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी इस तरीके से जैसे डीएम साहब के साथ मुझे एक दिन के पोस्ट में बनाया गया तो मुझे इतना गर्व हुआ। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे ही अवसर मिले ताकि मैं डीएम सर के साथ और भी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ऐसे बैठूँ।